पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने समुची मनुखता नू बराबरी अते प्यार दा पाठ पढ़ाया। हर एक नू अपने धर्म विच रह के जिंदगी दियां खुशियां मानन दी आजादी दी सिख्या दित्ती। पर इस दे उल्ट तुर्क अते मुगल हमलावर खुद नू अनोखे समझदे सन। ओह दोनों हथां नाल मुल्क नू लुट रहे सी अते तलवार नू मजहब दी जुबान बना के हर एक जात उपर अपना धर्म थोप रहे सी। बिना रोक टोक लुट खसुट अते मार कुट दे इस समय विच धर्म परिवर्तन तो घबरा के कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर दे कोल मदद मंगन पहुंचे। तद 8 साल दी छोटी उम्र विच ही गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितां दे पक्ष विच आवाज उठा के अपने गुरु पिता नू इस जुल्म दे खिलाफ लड़न दी किया। गुरु तेग बहादुर जी ने जुल्म दा सामना कीता। ओना कश्मीरी पंडितां दे मनुखी अधिकारां ह्यूमन राइट्स दे लई जदों ए शब्द भी इजाद नहीं होया सी दिल्ली जाके अपना शीश दे दिता। पर धर्म परिवर्तन दा ए जुल्म रुकिया नहीं। दशमेश पिता दी जवानी दे नाल नाल ही इस जुल्म दे खिलाफ लड़न दा जज्बा भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारां नाल अज्ञानता दे हनेरे नू अते अपनी तलवार नाल जुल्म नू मिटाण दा फैसला कीता। श्री आनंदपुर साहिब विच खालसा पंथ दी स्थापना कीती अते पूरी मुगलिया हुकूमत नू झंझोड़ के रख दिता। लोकां दे हक सच ते धर्म दी आजादी लई उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। अपने 4 साहबजादे भी आनंदपुर साहब। एक पासे ठाठां मार दा सतलुज दा दरिया, दूजे पासे आसमानी रंग विच कोलिया सिरसा नदी दा पानी, रंग बिरंगी हरी भरी वादी दी बुक्कल विच गुरु जी दे 4 साहबजादे हसे खेडे ते मुस्कुराए। पिता जी ने हुक्म भेजा कि मैनू चिट्टे हाथी ते बिठा के वीरां दी दौड़ दिखाओ। मेरा भी ता नाल लिया सी। हां हां, ओ कहंदे सी फतेह सिंह नू भी नाल बिठा लई, पर मैनू ता छेती। हाथी नू अग्गे करो। जुझार सिंह पुल दे वाल आ रहे ने। ए पुल ए कल ता टुटण तो बचे है। जुझार सिंह छोटे वीर तो अकेले निकलना।
गुलाब सिंह जी हुण सानू थल्ले उतारो। ए हुकम तां गुरु साहब ने मैनू नहीं दिता सी। घोड़सवारी ते तूं चंगी कर लैंदा। एक ब्राह्मण फरियाद लेके आया है, गुरु साहब ने आप जी नूं उत्थे सद्या। हे दशमेश पिता, मैं बड़े बूहे खड़काए, बड़िया को जाके फरियाद की थी, पर किसे ने मेरी बाँ नहीं फड़ी। मेरी सज भी आई वोटी दा, हले चूड़ा भी नहीं सी उतरिया कि पठान चुक के लै गया। हुण तां तुसी मेरी मदद कर सकदे हो। दशमेश पिता दे दरबार चो कदे भी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं मुड़िया। जो हुकम गुरु पिता। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवै तोड़। साडे मुल्क ते होए बाबर दे हमले दा श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी च दस्या है किवें सुहागणा दे सिंदूर मिट्टी विच मिल गए, जिन्हां दे सिरां ते सोहणियां पट्टियां सन किवें उन्हां दीआं बुरियां हालतां हो गईआं। लोकां दे दर्द नूं अपने दिल विच समो के गुरु साहब ने बाबर नूं कहा सी कि इन्ना कुछ वेख के भी तै की दर्द ना आया। दादी मां, इन्ना जालम सी बाबर, ओदे राज च लोकी इन्ने दुखी सी। आ जिहड़ा दिल्ली दे तख्त ते बैठा है, एदे राज च केड़ा कोई सुखी है। वीर जी, तुसी औरंगजेब दी गल करदे हो ना? हां, उस पत्थर दिल इंसान दी जुल्म करना ता जिस दी आदत बन चुकी है। जालमा दे जुल्मा बारे ता तुसी बथेरा जानदे हो। दादी मां जेड़ी गुरबाणी सिखाउंदी है ओ भी सब नु याद है जा नहीं? बाणी ता सहज हुंदी है गुरु माता, आपे कंठ हो जांदी है। हां गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरु देवे नमे। ए दोवें ता खरे उतरे ने जुजार सिंह, ते तुहाडी संस्कृत ते फारसी दी पढ़ाई ठीक चल रही है गुरु माता? हुण ता संस्कृत ते फारसी बोलनी नहीं लिखनी भी जानदे आ। गुरु मां, वीर जी ता हुण घोड़े दी लगाम चंगी तरह खिंच लैंदे ने। अच्छा, हुण ता मैदाने जंग विच छुकण वाली तलवार तेरे पुत्र दे हत्थां च खेडेगी। की सोचन लग पए गुरु मां? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध विच जान तो पहला जिवें तेरा वड्डा वीर सोहना गबरू जवान लगदा है, तू भी उसी तरह लग्या करेगा। गुरु मां, तुहाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा, उदो खुद ही देख लेना। परमात्मा तैनू तेरे वीर वांगू शस्त्र विद्या विच निपुणता बख्शे। तेरा गतका किवें चल रहा है? ओ गुरु मां, ए हमेशा मैनू अपनी गल्लां चला लैंदे ने। दादी माता। हां जाओ। देवकी दास, गुरु पिता दा आदेश है कि अगे तो जे तेरी जोरू नाल कोई तक्का करे ता अपनी रक्या आप करनी सिखो। मैं वादा करदा हां, मैं गुरु साहब दा बहुत शुक्रगुजार हां अजीत सिंह जी, जिन्हां ने मेरी मदद लई थानू भेजिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अजीत सिंह, जुझार सिंह आज पता नहीं की खा के आया, ये तो किसी दे भी पैर नहीं लगन दे रहा। मेरा छोटा वीर हुण जवान होता जा रहा है। अजीत
वीर जी मेरी तलवारबाजी शुरू कराओ, उस्ताद जी भी यही महसूस करते ने। जुझार सिंह दे शरीर भी चुन काफी फुर्ती है। तलवारबाजी दे गुर ता मैं कुछ अपने आप सीख लेने, तुसी चाहो ते अजमा के देख लो। उस्ताद जी। अच्छा मेर सिंह जी, ठहरो, तलवार मैनू दियो। मेरे छोटे वीर ने किन्ने को गुर सिख लेने, ए मैं खुद देखना चाहूं। सीख लेने कि मेरा वार रोकने के काबिल हो गए। मैदान जंग में जिन्ना जरूरी होता है दुश्मन को हराना, उस तो कितने बद होता है अपने आप को बचाना। तो इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना होने दो। मेरे तो इंज लगता है वीर जी कि मैं मैदान जंग में दुश्मन की हाथ फड़ी तलवार को छुड़ा सकता हूं। मैसिंग जी, सोना पठाली च टल चुकी है, उन्हें दे गहने बनाने शुरू करो। पर याद रहे, सिंह दी किरपान किरपा करन लिए उठती है, जुर्म करन लिए नहीं। वीर जी, हुन तुसी गतका छेते छेते सीखना, ताई मेरी वारी जल्दी आओ। की होया वीर जी, आ देखो इन्ने मेरे हाथ ते दंदी वड्डी। तुसी मेरा कान क्यों मरोड़िया? तू मिर्चा वाले हाथ मेरी अखां नु क्यों लाए? हां वीर जी, देखो एना दी अखां चो किवें पानी निकल रहा है। फतेह सिंह, गलती होगी वीर जी। फिर ता इस गलती दी सजा मिलेगी। हुन असी एदी अखां चो पानी कढांगे इन्नु हसा हसा के। खड़चा, हुन किथे वलदा है? जाओ वीर जी, मैं नहीं तुहाडे नाल बोलदा, तुसी मेरे वाल दी गल नहीं कीती, जुझार वीर जी दा साथ दित्ता। ओ किवें भाई? ओदी शिकायत ते मैनूं गुदगुदाणियां कड्डण लग पए। मेरे मिर्चा वाले हाथ अपनी अखां नूं ला के ता देखदे पानी निकलदा कि नहीं। वीर जी, फतेह सिंह दा दिमाग बहुत चलदा है, असीं इन्नू बाकी सेवकां वांग संस्कृत पढ़न काशी भेजांगे। नहीं वीर जी, मैं दोनों सारे नु छट के कितनी नहीं जाऊंगा। ना जाए ठीक है, फिर नहीं जाना ते संगत दी सेवा करनी पड़ेगी, भाई कन्हैया जी तो भी वध के। वीर जी, एक बारी तुसी भाई कन्हैया जी बारे सुनांदे सुनांदे रुके सी, की सी भला? ओ मैं दसदा वीर जी, एक बार एक सिंह ने आके शिकायत कीती, गुरु जी युद्ध दे बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुरकां नु भी पानी पिलांदे ने। भाई कन्हैया जी ने अग्गो आख्या, गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਈਆ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਆ ਕੀ ਗੰਗੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋ ਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जग जाने हुआ सतगुरु नानक प्रगट हुआ। खुश कर दिता ना मेरे लाल नू। ए खुशियां दा खेड़ा साड़ी वेड़े हमेशा हस्ता वस्ता रहे। ए रौनकां बहुत ही देर ना रहियां। मुगल सल्तनत लोकां नूं जबरदस्ती धर्म बदलन दे लई कहिंदी सी ते दशमेश पिता दा सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करदा सी। इसे लई हर धर्म ते हर जात दे लोग गुरु जी नाल जुड़दे ते फखर महसूस करदे। उन्हां दी वद्दी ताकत मुगलिया हुकूमत ते पहाड़ी राजें दी परेशानी दा सबब बन गई। सूबाए सरहंद वजीर खान नूं सरद रुत विच पसीने आ रहे सी। उसनूं कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि वो की करे। असीं गुरु ते उसदे सिंघां कोलों कई लड़ाइयां हार चुके हां। 1,00,000 फौज दिल्ली तो होर मंगवा के उन्हां दा सफाया करो। इंज नहीं हो सकदा कि सप भी मर जाए ते लाठी भी ना टुटे। एक बंदे दी मौत नाल खालसा पंथ दी कमर भी टुट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, पर उस गुरु नाल टक्कर कौन लवेगा? मुगलिया सल्तनत दा सब तो ताकतवर सूरमा पेंडे खान। गोबिंद, अपनी फौजा नु क्यों मरवाने हा? चल तू ते मैं आपस विच दोनों लड़के जंग दा फैसला कर लेने हा। गुरु साहब ने पंजा प्यारियां तो आज्ञा मंगी। फिर तैयार हो जा गोबिंद। बोले सोनिहाल, स्वर कर गोबिंद। गुरु साहब ने कहा खालसा कदी पहले वार नहीं करता। ललकारिया तू है पेंडे खान, वार मैं किवें कर सकता? नहीं, पहला वार तू कर गोबिंद। गुरु साहब ने कहा सोच ले पेंडे खान, जे वार करन दी तमन्ना दिल च रह गई ते फिर की करेगा? ते फिर बचा अपने आप नूं।
लोदीना बेग साहब, पेंडे खान दा तीर खालसा पंथ दी कमर तोड़न लई तैयार है। नर विच हर है, हर विच नर है, ते निरंकार हर इंसान विच तू आप है। पर इस वक्त मेरे तीर दे सामने किसे दा हंकार है। गुरु साहब ने कहा, अपने रब नू याद कर ले पेंडे खान। मैं ते सिर तो पैरां ताई लोहे ची मड़िया हां। पुछो इसनू मेरे तीर कित्थे मारेगा। फिर पहाड़ी राजा ते पाई। वजीर खान ने पैगाम भेजा कि गोविंद की ताकत नूं खत्म करन लई असी उस दे नाल हाथ मिला लिए। उस जालिम दे नाल सानू कोई समझौता नहीं करना चाहिदा, खास तौर ते गोविंद दे खिलाफ। असी जिन्नियां लड़ाइयां लड़ियां सानू सब नूं मुंह दी खानी पई। फिर भी गोविंद ने कदी भी तुहाडी किसे दी जमीन दे एक टुकड़े ते भी कब्जा नहीं कीता। इस विच भी उसकी कोई चाल होवेगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना हुंदा तां इह पैगाम ना भेजदा। असी सारे तुहाडी राय नाल चलांगे राजा जमीर चंद। मुगलई ते पहाड़ी राजा ने एक दूजे दे नाल हाथ मिला के आनंदपुर दे किले नूं घेर के तावा बोल दिता ते जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए, सर्द रुत ने हर पासे पैर पसार दिते, सिपाहियां च बीमारी फैलन लगी, मुगलां ते पहाड़ी राजा दे खजाने खाली होन लगे, सिपाहियां च बगावत दिन ब दिन वधदी जा रही सी, किले विच भी हालत कुछ ठीक नहीं सी। 6 महीने तो किले विच खान पीन दा सामान ना दे बराबर सी। किले विच भुखमरी इस हद तक फैल चुकी सी कि 100 सिंघां ने गुरु साहब नू छड़न दा फैसला कीता। गुरु साहब ने अपने माता जी नू उन्हां कोल भेजिया। तुहाडे गुरु ने तुहाडी बेनती परवान कर लई। बस इस बेदावे विच लिख दियो कि तुसी उना दे सिख नहीं ते ओ तुहाडे गुरु नहीं। असी लिखण लई तैयार हां। इत्थे हुण सवाए भुखमरी ते मौत तो होर कुछ नहीं रहा। इस किले नूं छड के जाना ही चंगा है। जेकर कोई होर सिंह अज तो खुद नूं सिंह नहीं कहाना चाहुंदा तां ओ वी इना दे नाल बाहर जा सकदा है। सौ सिंह छड़ के जाना चाहते सी पर सिर्फ 40 ही गए, बाकियां दी जमीर ने आज्ञा ना दिती। सिपे सलार, ओ सिंह जा रहे ने। रुक जा, लगता है डर के भज रहे ने, जान दे इन्हां नूं। सही सोचे है जनाब। इस तो पहला साडियां फौजां घेरा तोड़ देन, बस इसे तरह ही किला खाली हो जावे। एक बार धोखा देन तो बाद आखिरकार घा विच सप वांगू रेंगदा वजीर खान दा गुरु साहब नू पैगाम आया, जिस विच मुगला ने अपने धर्म ते पहाड़ी राजा ने गौ माता दी कसम खादी कि जे गुरु साहब किला खाली कर जान कोई उन्हां दी हवा वल भी नहीं चाकेगा। ओ जिस पासे जाना चाहुण अपने सिंघां नू नाल लेके जा सकते हन। गुरु साहब ने इस खत नूं अपने करीबी सिंघां दे कहण ते प्रवान कर लिया। आनंदपुर दा किला खाली कर दिता। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, छेती करो तुसी दोवें।
ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਸਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਪੁਰ ਟੱਪਣ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਮੁਗਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆਓ ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰਚੂਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਪਾਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੋ
साहब जी की पिछले चौबार हो जाए। पुल दे राही इन्हां दा पिछा करदे आ। माता जी सरसाने रोक लिते होनी ने चार होनी। असी दूर तक वेख के आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिता। भाई मनी सिंह जी, सानू दिल्ली वाल तुर पैने चाहिए। एक बार फिर वेख के आंदा हां, शायद अजीत वीरा या कोई होर मिल जावे। एथे रुकना खतरे तो खाली नहीं है माता जी, चलो निकल चलदे हां। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहंदा है, जिवें दादी दी मर्जी। जिसने भी पार जाना सरसा की बेडुबो। उन्होंने इंतजार किया होगा, पर खतरा देखते हुए शायद दिल्ली वालों तुर पे होंगे, जिस तरह तो पहले तय होया सी। कोटला निहांग होंदे हुए गुरमाजरा चलन दा हुक्म होया। उस दिन जेकर सरसा नदी कहर ना टौंदी ता आज इतिहास कुछ होर होना सी। गुरु साहब दा परिवार खेरू खेरू हो गया। माता जी गंगू ब्राह्मण दे नाल उस दे पिंड खेड़ी वाल नूं चल पए। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब नूं अपनी गढ़ी विच शरण दित्ती, जिथे आके ओ पहला भी एक लड़ाई लड़ चुके सन। गढ़ी काफी उच्ची जगह ते बनी हुई है, एदे चार दरवाजे ने। इन्हां तीन दरवाजिआं राहीं दुश्मन दा आउणा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। केवल इस वड्डे दरवाजे थाईं आया जाया जा सकदा है। इहदे बाहर झाड़ियां ते टिब्बे ने। गढ़ी दे हर पासे वल साडी नज़र रहनी चाहीदी है, पर इस दरवाजे वल सानू खास तौर ते नज़र रखनी पवेगी, क्योंकि दुश्मन जेकर हमला करेगा तां इस पासे तों ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी दे चारों दरवाजे ते पहरेदार लगा दित्ते ने, पर साधन फिर भी सीमित ने। पर हौसले तां बुलंद ने। सुन के खुशी हुई, चंगा होया किसी रस्ते विचों होर हथियार ले लेते। बिल्कुल सही, आओ उपर गुरु पिता कोल चलदे हां। तुसी वेखो गुरु पिता जी, गड़ी दे चारे पासे पहरेदार लगा दित्ते ने। दशमेश पिता जी, तुहाडे हुकम अनुसार जख्मी सिंघा दा इलाज चल रहा है। असी गड़ी दे आसपास तिखी नजर रखांगे, मुगल फौज इत्थे किसी भी वेले पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, असी असली पहरेदार नूं तां भुल ही गए सी। चमकौर दे बशिंदो सुनो, खलक खुदा दा मुल्क बादशाह दा हुक्म वजीर खान दा ध्यान नाल सुनो। हिंद दा पीर अपने सिंगा नाल चमकौर दी गड़ी विच पहुंचया है। फौजदार दा हुक्म है
जे कोई भी अनंतपुर दे गुरु जा उस दे सिंगा दी मदद करेगा उस दा सर कलम कर दिता जावेगा। पुत्तर ए चोरी ता मैं तेरे लिए कुटी सी, तू एनु लेके किथे जा रहे? मां अनंतपुर साहिब वाले गुरु जी अते उना दे सिंह गड़ी विच आए होए ने, सारे लोग उना लई कुछ ना कुछ लेके जा रहे ने, ए चोरी मैं उना नु देके आवांगा। ना पुत्तर इंच ना करी, किते अपने ते कोई होर मुसीबत ना आ जावे। कुड़े कुड़िए क्यों मेरे मुंडे नु डराण लगी है, की माड़ा करण लगिया मेरा लाल? तू जा। मैं चलिया बेबे। तू मेरे पोते नु उना 40 सिंगा वर्गा डरपोक बनांदी है जेडे गुरु साहब नु किले विच छड आए सी? तेनु पता है जदो पकोड़े कर वापिस आए सी तद करदिया ने उना नु किनिया फिट लांटा पाईया। ले पा ले चूड़िया मेरिया ते सांभ अपना चौका चूल्हा ते तलवार मेनू अपनी, मैं गुरु दी सिंगनी बन के मैदान विच डट जानी आ। जो गुरु दा सिंग नहीं ओ सिंगनी दा भी सिंग नहीं, मैं अपने गुरु दे दुश्मना नाल आप लड़ांगी। ओए मूरख, सिर दे के तू खंडे दा अमृत छकया, ओ जुल्म नाल टक्कर लैण वास्ते उना ने तेनु सिपाही बनाया ते तू उना नु छड़ के घर भज आया। तुहानू चालियां नु अन्न पकाउण वालियां रन्ना बहुतियां याद आ गईयां, माता गुजरी दा लाल भी ता ढिड्डो भुखा सी, शेर दी गुफा विच रहना थोनू रास ना आया गिदड़ो, बंदे बनन पए सी। माफ करना मां जी, पुत्तर दे मोह ने मैनू कमजोर बना दिता ते मैं सिंगणी होण दा फर्ज भुल बैठी। इस तो पहला इस पहरेदार दी आवाज मेरे वांगू किसी होर मां नू डरावे। सुनो 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 चमकौर दे बशिंदो, सुनो खलक खुदा दा मुल्क बादशाह दा। हे वाहेगुरु मेहर करी। पाक सिंह जी ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਗੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੜੀ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅੱਧਾ ਕੋਸ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। लो आ गया। कुम्मा, ओए कुम्मा, की सोच रहे हैं चुचार सिंह? निक्के वीरां दी याद आ गई सी वीर जी, सरसा नदी दे पानी नू पता नहीं की सुझ्या, आज दे दिन ही इन्ना चढ़ना सी। तू फिक्र ना कर चुचार सिंह, माता जी ते होर सिंह साहब हान उना दे नाल, हुन तक तां ओ दिल्ली पहुंच गए होंगे।
गंगू ख्याल रखे, नदी ना लगदी पगडंडी फड़ लवी, ओ सीधी तेरे पिंड खेड़ी नू जांदी है। पर चौड़ा रस्ता सौखा नहीं, नाले छोटा भी है। पर खतरे तो घट नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आउंदी जांदी रहिंदी है। वे गंगू, उमा ठीक कहंदा है, रस्ता औखा सही, पर सानू बच के चलना चाहिदा। असी गुरु पिता, गुरु मां ते वीरा कोल कद पहुंचांगे? असी सारे अलग अलग रस्ते वल इसलिए हो गए हां ताकि दुश्मनां नू भुलेखे च पा सकीए। जिद्दां ही माहौल ठीक होएगा, अजीत वीर जी सानू आके लै जाणगे, है ना दादी मां? बस ओ आप किसी मुसीबत च ना हो। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्नी को होगी? आई कोई 10 लाख दे करीब। 42 दे सामने 10 लाख, सिंघां दे जोश तो किन्ना डरदी है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह, मां पर ती, पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा थोड़ा, पर तू ता थोड़े तो भी किते अगे निकल गया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हुन दसांगे दुश्मना नू कि एक सिंह 1.25 लाख दे बराबर किवें होता है। बोले सो निहाल। गल सुन नपन मिया, तू ता कहंदा सी मुट्टी पर सिंह ने। मैनू तो 100 दी खबर सी, पर उन्हां दे जकारे ने कन्ना दे पड़दे पड़दे मैनू तो ज्यादा लगदे ने। होर सिंह आखे होने, ओ किन्ने होणगे? 100, 500, 1000, 80 लाखां विचां। मैं जनाब वसीर खान नाल मशवरा करके आना वा, तू जा। तुसी जाओ, मैं तां इन्ना जानदा कि इन्हां विचों कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानी जान सन, उस रात वो भला किवें सौंदे? सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। खोले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु, भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ, इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर गुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु, सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। चुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए दो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से, साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, ऐ देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है।
सिपाहियो हमला करो। छोर लगातार करो ताजो सिंह बाहर ना आ सकन जैसी गली तक पहुंच जाइए। तीर मारो फैजल। कड़ी दे दोनों कोनिया ते जाके इन्हां दी गिट्टियां ते तीर मार दे। जाओ तीर ना चलाओ साडे अपने बंदियां नूं लगणगे। अगे वधो लखा सिपाही दिते ख्वाजा मोहम्मद मुट्ठी पर सिंगा नू तुसी काबू नहीं कर सके। जाओ जाके एक बार हमला बोलो ते सब नू खत्म करो। खान साहब ओ उच्ची जगह ते बैठे ने ते असी नीवी जगह ते जेकर असी एक बार हमला कीता ता साडे घटो घट 20,000 जवान मारे जानगे। नहीं नहीं ए नुकसान बहुत ज्यादा है। ठहरो मैनू सोचन दियो। इस तरह करो उन्हां दी तीरां दी मार तो 10 गज दूर होके बैठ जाओ। सिंगा कोल फिर दो ही विकल्प रह जाणगे। जां तां गड़ी तो बाहर आके साडे नाल लोहा लैण तो पहला ही साडे सिपाहियां दे तीरां दी भेट चढ़नगे जां अपने गुरु समेत मेरे सामने आके घुटने टेक देणगे। साहब दा हुकम है सानू गड़ी दे बाहर जाके लड़ना पवेगा। ठीक है असी सारे इक्को बार जाके हल्ला बोल देंगे। कट्टो कट सैकड़े नु धरती ते बिछा देंगे। असी सैकड़े नहीं हजारा नु मारांगे पर जिवे गुरु पिता दा हुकम है के पांच पांच सिंघा दा जत्था मुगला नाल लड़न वास्ते गड़ी तो बाहर जावेगा। असी उहनां नु इन्ना नुकसान पहुंचावांगे जिन्ना उहनां ने सुपने विच भी सोचिया नहीं होना। पहला जत्था लेके मैं जावांगा। मेरे नाल 4 सिंह जान वास्ते तैयार हो जान। औरे दुल्दा फायदा चुके दुश्मन को पहुंचना है। मैनू नहीं लगता तू जा। yeah!
ਦੀ कुटिया की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गई है। जी हजूर। तो आनंदपुर वाले गुरु दे किसी परिवार वाले नु जा उना दे सिंगा नु वेखिया? तुहाडे तो पहला एक टोली तुहाडे सिपाहियां दी आई सी ते यही पुछदे सी। मैं उन्हां नूं भी यही कहा सी कि मैं तां कोई सिंह नहीं वेख्या। लगता बशीर खान दी टोली होवेगी। चलो असी नदी किनारे इस छोटे रस्ते दी हो चलदे आं, उन्हां नाल छेती मिल जावांगे। छोटे रस्ते? वाहेगुरु राखी करें। माता जी इत्थे थोड़ी देर आराम कर लो। फतेह सिंह, तू की सोच रहे हैं फतेह सिंह? दादी मां, माता जी थी याद आ रही सी। याद ता मैनू भी आ रही सी, पर माता जी दे नाल अजीत वीरा, जुझार वीरा ते गुरु पिता जी ता होणगे ना दादी मां? हां पुत्तर, शायद। दादी मां, माता जी भी सानू याद कर दे होंगे ना? की होया माता जी? तुसी फिकर ना करो माता जी, जिथे भी होंगे खुश होंगे। चौकड़ी एक दूजे तो बिना नहीं रह सकती। हे वाहेगुरु सुख रखी। भाई दया सिंह जी, दिन जत्थे गड़ी तो बाहर जा चुके ने, हुन अगला जत्था मैं लेके जावांगा। बस अरदास करन तो बाद गुरु पिता दा आशीर्वाद लेके आउना। हैरो अजीत सिंह जी, तुसी इस युद्ध विच नहीं जा सकदे। क्यों नहीं जा सकदा? तुहाडी कुर्बानी नाल पंथ नूं ना पूरा होण वाला काटा पवेगा। मैनू शहीद होए सिंघां नालों वक करके ना देखो भाई दया सिंह जी, खालसा पंथ रिश्तियां दा मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता नूं चंगी तरह जानदा, वह मैनू जंग विच भेजन लई अपने हत्था नाल गड़ी दा दरवाजा खोल देंगे। अजीत सिंह अपनी जित ते अड़े हुए ने, बस हुण तां गुरु साहिब ही रोक सकते हैं। युद्ध विच जान लई तैयार हां। अजीत सिंह जी तुसी स... नाम मेरा अजीत है, जितया नहीं जावांगा। जितया गया अगर जीउंदा नहीं आवांगा। मैनू आशीर्वाद दियो गुरु पिता। दशमेश पिता जी ने अजीत सिंह नु जंग विच भेज के साबित कर दिता कि माता गुजरी दे लाल नु लोकां दे सिर मंगन दा ही शौक नहीं, जरूरत पवे तां कौम दी खातर ओ अपने पुत्र दा भी सिर दे सकदे ने।
ते शिवा पर मोहे है शुभ कर मनते कभो ना डरू न डरू और सो जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲੈ ਆਵੋ ਮੋਰਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
सरसा नदी ते आके सारा परिवार बिछड़ गया। माता जी छोटे साहबजादे पता नहीं कित्थे चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो गए ने, फिर भी तुहाडे मत्थे ते कोई शिकन नहीं। दुनिया जीवन दे तरीके लभदी है ते तुहाडा हौसला सिंघां नूं शहीद होण दी जात सिखांदा है। बस हुण तां बाबा जुझार सिंह ते ही आसा ने कि इह वड्डा हो के पंथ दी बागडोर संभालेगा। गुरु पिता जी मैं भी वड्डे वीर वांग जंग च जावांगा। ना जुझार सिंह ना, तू इहो जी गल ना कर, तू तां हले बहुत छोटा है। गुरु जी इहनूं समझाओ ना। मैं सेवा सिंह नूं कहना कि अगला जत्था उह लैके जाएगा। जथेदार जी मानता हाँ कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इन्ना भी नहीं कि 8-10 नूं मार के मरना सका। गुरु पिता जी मैनू आशीर्वाद दियो। शस्त्र धारण करके युद्ध विच जान तो पहला जिवें तेरा वड्डा वीर सोहना गबरू जवान लगता है, तू भी उसी तरह लग्या करेगा। तुहाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा, उदों खुद ही देख लेना। गुरु मां तुसी इत्थे? हां, जंग ते जान तो पहला मैं अपने पुत्र नूं मिलन आई सी। गुरु पिता जी दे चरण स्पर्श करन लग्या मैं यही सोच रहा सी कि काश अज मेरे कोल मेरे गुरु मां हुंदे, मैं उन्हां दा भी आशीर्वाद लेके जंग नूं जांदा। डरता नहीं लग रहा? मां मैं ता सिर तो पैर तक जोश नाल भर गया। मैनूं फकर है मेरे लाल, अज मेरा लाल जंग विच लड़न वाला योद्धा बन के नितरेगा। मां तुहाडे अखां चो हंजू? ए हंजू नहीं, आशीर्वाद दे पुत्तर। जिव जिव हुकम तिवे तिवकार, नानक साचे की साची कार। ਦੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੱਸ
ओए गुरु दया पुत्रा, बस तू तो वी कैसी आपका। चलो जी, लगता कोई चोर थोड़ी गठड़ी लै गया। कोई गल नहीं पुत्र, उस चोर की भी कोई मजबूरी होएगी। हाँ, पर माता जी उस विच तां तुहाडी सारी दौलत सी। नहीं पुत्र, मेरा सब कुछ तां मेरे कोल है। नहीं नहीं माता जी, मैं जाके कोतवाले विच शिकायत करदा। रहन दे पुत्र, अजकल चोरां नाल ज्यादा लोग कोतवाली विच लुटे जांदे ने। जिद्दां आखो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जावेगा। ओए सही क्या सी उन्होंने, बंद मुट्ठी खुले हाथ दी उंगलियां तोड़ दिंदी है। इन्हां दे गुरु च जरूर कोई गैबी ताकत है। कोई गैबी ताकत नहीं हैदर मियां, जंग विच फतेह जिगरे वालियां दी हुंदी है। वजीर खान नूं कहो अपने बच्चों जंग विच भेज के विखावे। मुगलों वालों कोई हरकत नहीं है जथेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कल दे जथे नाल खुद जंग विच जाणगे। नहीं संगत सिंह जी, यह नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत से सानू गुरु साहब नू रोकना ही पवेगा। दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंज प्यारे नू अमृत छका के खालसा पंथ सजाया। हाँ, एदा मतलब पंज प्यारे ही पंथ ते पंथ ही पंज प्यारे ने। बिल्कुल। बस फिर असी सारे जाके गुरु साहब नू बेनती करदे आ कि गुरु जी तुसी हो ता पंथ है ते साडे सिखां दे लई पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु ते गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी, पांच प्यारियों नू खंडे बाटे दा अमृत छका के तुसी अधिकार उन्हां नू दित्ता सी कि जद कदी वी पंथ ते पीड़ पवे तां पांच प्यारियों दे हुकम नू अटल मन्या जावे। असी पांच प्यारे तुहाडी बनाई खालसा पंथ दी लोकतंत्री नीति नू बरकरार रखते हुए पंथ दी बेहतरी लई अपने गुरु नू बेनती करदे हां कि ओह गड़ी छड के चले जान।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह नु अपनी पोशाक पवा के गड़ी चो एक आम आदमी वांग निकले। उना नाल भाई दया सिंह, धर्म सिंह ते भाई मान सिंह सन, पर जांदे जांदे भी योद्धा दी तरह दुश्मनां नु ललकार दे होए गए। ताड़ी ठोक के कहा, हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है ता रोक लवे। ए सुन के मुगला भी थली मच गई। अगली सवेर चमकौर साहब विच घमासान युद्ध होया। जिस सिंह ने गुरु जी दा बाणा पाया सी, उसनु देख के फौजदार नु लगया उसने गुरु जी नु मार दिता है। वजीर खान खुशी नाल नच उठया। ओए मूर्खों, ए गुरु नहीं है, कोई होर है। जाओ जाके गड़ी दा कोना कोना छान मारो। खान साहब, गड़ी च दा कोई भी नहीं है, बस गुरु दा एक नीला कोड़ा ते चार अरबी कोड़े खड़े ने। इस दा मतलब है के ओ एक बार फेर साड़ियां अखां च कट्टा पा के निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु दा जोर दी आवाज दे के गया। कल रात जो मैं सुनया फिर वो ठीक सी। हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सके ता रोक ले। मैं ता फौजदार नू उसी वेले जाके दस्या सी। मैनू क्यों नहीं दस्या? हुन जाओ हर पासे जाके उसनू तलाश करो। मैनू वो हर हालत विच चाहिदा है। मैं उसदे सिर ते तुर्की पग बन के उसनू अपना गुलाम बनावांगा। सिपाहियो, जय जकियो, मार गेरो उस गुरु दे बाज नू। हाथ पाया छड़ांगे नहीं। आलो पुत्र दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरन सुनेहा पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादा जी वांग गल नू भुलदा नहीं। दादी मां, आज मैं सुपने च दादा जी नू मिलिया। दादा जी नू? हां, वो दिल्ली चांदनी चौक विच रहंदे ने। उन्हां ने उत्थे बहुत बड़ा महल बनाया है। हां, ते महल दा रंग चिट्टा है। हां हां, चिट्टा ही है। गल सुनो, तुसी दोवां ने इको सपना किवें वेख लिया? ए छोटू शैतान है मां, ए चोरी छुपे मेरे सपने चाक्या होवेगा। दादी मां, पहले मैं दस्या ना थानू, इना ने लुक के मेरा सपना देखिया। चल दस, ओते होर कौन सी? अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी। ए बिल्कुल ठीक कहंदा है मां जी, अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी ओथे रहंदे ने। जुझार वीर जी ने गतका छाटता ते आजकल ओ तलवारबाजी सिखदे ने। हां दादी मां, ते अजीत वीर जी ने मेनू कहा कि सरहंद दे इलाके विच कई दीवारां बहुत पुरानियां ने, बाबर तो भी पहले दियां। तू ते फतेह सिंह ध्यान नाल खेलिया करो, किते कोई कान तुहाडे दोहां ते ना गिर पवे। ना पुत्तर, शुभ शुभ बोलिया करो, एहो जे माड़े लफ्ज़ नहीं सुबान तो कड्डी दे हुंदे। हे वाहिगुरु सुख रखी। जनाब, गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी ते उन्हां दे दोनों छोटे बच्चे। लखां दी फौज लै के भी वजीर खान हाले तक गुरु तो बन नहीं सकिया। हुण उन्हां दी बुजुर्ग मां ते बच्चिआं दा की सुखमा बनिआ पुत्तर। Oh, 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 oh
ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਾਗੋ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਣਗੇ ਓਏ ਸਿੱਖਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਜ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈ ਫਿਰ 6 ਗਜ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਵੀ देने वाले हो जाओ हिदड़ा वांग अपने घर विच लुक के बैठ जाओ जिन्ना सिंगणिया ने बलवान शेरा नु जन्म दिता है ओ बबक मार के जालिम दे सीने फाड़ सकदिया ने बोले सो निहाल जे माड़ी मोटी भी तुहानू शर्म है तां डुब के मर जाओ नहीं तां जाके अपने गुरु दे चरण फड़ो ते पुल बख्शाओ ਅਸੀਂ ਚਾੜੀਆ ਨੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ
असी उन्हां दे बच्चे हाँ, असी तां बिल्कुल भी नहीं घबराए। नाले तुसी ही तां सानू सिखाया है कि अकाल पुरख दा भाणा मिठा करके मनना चाहिदा है। फतेह सिंह, चल दादी नू याद कराइए। अकाल पुरख जो करदा है ठीक करदा है, उस दे हुकम बिना तां पत्ता भी नहीं हिलदा। उस दे बुरे काम विच भी अच्छाई हुंदी है, पर असी उस नू समझ नहीं सकदे। इस लई उस नू भुलण दी गलती कर बैठदे हाँ ते दुख पाउंदे हाँ। जेकर तुहानू मेरियां गल्लां इस हद तक याद ने मेरे बच्चो, तो मैं कदी नहीं भुलांगी कि तुसी मेरे शेर पुत्र दे लाल हो ते मैं उसकी मां। मिर्जा जी, मैं निकी अर्ज करना चाहुंदा सी। मैं उहदे लई तुहानू कुछ भी देण लई तैयार हाँ। कुछ भी देण लई तैयार है मोती? तां फिर असी भी कुछ भी सुनन लई तैयार हाँ। मिर्जा जी, मैं गुरु जी दे माता जी उन्हां दे बच्चियां लई आ दुध ले जाना चाहुंदा सी। ठीक है, मलाई मैनू दे जा ते दुध तू ले जा। ओए मोती रुक, ए मलाई दा वक्त थोड़ी निकलू, चल वापस। खान साहब, अज मेरे को लही है, कल मैं अपनी घर वाली दे सारे गहने ले आवांगा। गहने ले आवेंगा? ओ ता मैं अज दे हिसाब विच गिन लवांगा। कल दे हिसाब विच की देगा? कुछ तो करांगा जी। कल गहने याद ना ले आई, चल जा। हे वाहेगुरु, माता जी ते बच्चों की सेवा देन दा तेरा लख लख शुक्र है। माता जी, तुहाडे ते इन्हां बच्चों लई दुध लेके आया, मोती दी है माड़ी जी सेवा कबूल कर लैनी। मोती पुत्र, तू साडे लई दुध लिया के अपने लई कोई खतरा तो नहीं मुल लै रहा? फिर की होया माता जी, मैं तो भागा वाला हाँ जिन्हों यह सेवा करन दा मौका मिलिया। जिन्ना चिर तुसी इत्थे हो मेरी ये सेवा इसी तरह कबूल करते रहोगे जी। अच्छा पुत्र। बेटा, तेनू मेरे गोबिंद पुत्र दी कोई खबर मिली होवे? ओ ता अंतर जामी ने सब दी खबर रखदे ने, फिर उन्हां दी खबर मेरे वर्गे मामूली इंसान नू की होएगी? बस इन्ना सुनिया सी चमकौर विच कमसान दा युद्ध होया।
नतीजा की निकलिया पता नहीं। माता जी एक गल समझ नहीं आई। केड़ी गल? एक पासे ता वजीर खान दे सिपाही हाथ विच नंगी तलवारां फड़ी गुरु साहब दा सिर कलम कर लई उन्हां नूं जगह जगह ते लभदे फिरदे ने, ते दूजे पासे उसे इलाके विच दो मुसलमान भरावां ने गुरु साहब नूं बड़ी इज्जत नाल अपने घर विच रखिया है। बंदे बड़े नेक ने। नेक ने ते अनेक ने। अनेकां उन्हां दे भगत हन, सैकड़े उन्हां दी फौज दे सिपाही हन, कईयां नूं तां गुरु साहब ने अपनी फौज दा मुखिया तक बना रखिया है। गुरु साहब किसे मुसलमान जा इस्लाम दे खिलाफ नहीं हन, ओ ता उस कट्टरवाद सोच दा विरोध करदे हन जेड़ी कमजोर ते मजलूम लोका दा धर्म परिवर्तन करके ओना दा तन दौलत लुट रही है। गुरु साहब औरंगजेब ते उस दे दूत वजीर खां विच चल रही है लड़ाई किसे सिख जा मुसलमान दी लड़ाई नहीं है, ए ता अच्छाई बुराई नाल लड़ रही है जेड़ी हमेशा चलदी रहेगी। ऐसे अच्छाई बुराई दा सबक पढ़ा के तुसी कई पटके हुए सिंघां नूं सीधे राह पाया। इस कारज लई खालसा पंथ तुहाडा हमेशा ऋणी रहेगा। माता जी मैं तां अपने गुरु दा इक निमाणा जिहा सिपाही हां जिसने अपनी नजर अपने गुरु दे फरमान ते टिका रखी है कि कद मेरा दशमेश पिता मैनू हुक्म देवे ते मैं दुश्मनां नाल भिड़ जावां। खान साहब बुजुर्ग औरत ते बच्चियां नूं गिरफ्तार करना तां साडे सिद्धांतां दे खिलाफ है। की उन्हां ने सरहंद च आ के कोई बगावत कीती? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਰਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਾ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरहंद दे नवाब वजीर खान दा दरबार है। इत्थे कोई भी बंदा आके किसे भी गुरु दी फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब कोलो माफी मंगो, ते अदब नाल सिर चुका के सलाम करो। असी वाहिगुरु विच ही यकीन रखदे हां, ओसे परमात्मा अगे झुकदे हां जो आत्मा दे रूप विच हर किसी दे अंदर वसदा है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖਾਮੋਸ਼! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਮਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਓ, ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਫਲਾ ਤੋਂ।
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਖਾਜਰ ਖਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਲਾਚੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ? ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਦਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਕੰਮ, ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ, ਬੇਖੌਫ। ਬੇਖੌਫ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਖੌਫ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓਏ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
अपने ना दुश्मनां नूं। मैं गोविंद कोलों अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना चाहुंदा हां ते ओह मैं जरूर लवांगा, पर मैदाने जंग विच ये मेरे गुनाहगार नहीं हन। औरतां ते बच्चियां कोलों बदला नहीं लिया जांदा। मैं चाहुंदा हां इंसानियत दे नाते गोविंद दी मां ते ओहदे बच्चियां नूं रिहा कर दिता जावे। नवाब साहब, तुसी अज साबित कर दिता कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ विच यकीन रखदा हां। नवाब साहब दी मर्जी ते जनता दी ख्वाहिश दे मद्देनजर मैं इन्हां नूं आजाद कर दियांगा, पर मैं इन्हां कोलों ऐ तां पुछला कि ये आजाद होके की करणगे। ओही करांगे जो साडे गुरु पिता कर रहे हन ते जिहड़ियां सिंघां दीआं आउण वालीआं नसलां करनगीआं। की आखरी साह तक जुल्म ते बेइंसाफी दे खिलाफ लड़ांगे। ओ किवें? असी अपने गुरु पिता दे सिंघां नूं फेर इकट्ठा करके फौज तैयार करांगे। सुणिया तुसी सारिआं ने, इहनां दे बागी इरादे? जिहड़ा इहनां दा बागी बाप साडे खिलाफ कर रिहा है ओही है बागी बच्चे करना चाहुंदे ने। दसो दरबार विच बैठे काजियो ते वजीरो कि मुगलिया सल्तनत दे इन्ना बागियां बारे तुहाडी की राय है। खान साहब, हुण तां सब दी राय इक्को ही हो सकदी है, सप दे बच्चे सप ही हुंदे ने। सुच्चा नंद जुबान नूं लगाम दे, मजलूमां दे ओ दोस्त ने, नेकी उहनां दी पहचान है। शीश झुका के आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उहनां दा नाम है। ਕਰਤਾ ਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬੱਚੋ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਵਾ। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। कित्थे जा रहे हो माता जी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਓਏ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰ ਵਰਸੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਚੋਰ ਭਰਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੇਗ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਨ ਬੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ,
उस तो असी बहुत खुश है दादी माँ। खुश हो? केड़ी गल दी खुशी हुई तुहानू? असी खुश हां कि असी तुहाडियां उम्मीदां ते खरे उतरे। असी खुश हां कि असी अपने गुरु पिता ते दादा जी दी शान नू बरकरार रखिया। असी खुश हां कि असी जालमा दे डर तो अपना धर्म नहीं हारिया, तुहाडे वल्लों सिखाई गुरबाणी नू याद रखिया। मैनू तुहाडे ते फखर है। काजी दा फतवा कहिंदा है कि सानू जिंदा दीवार विच चिण दित्ता जाएगा। फिर की होया? जिंदा दीवार ची चिणनगे, मार थोड़ी देनगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देनगे। असी भी बच्चियां वाले हाँ। मैं नहीं चाहती कि कल नू इतिहास दे पन्निया ते सुबे सिर आंदा नौ मासूमा दे कातिल दे रूप विच जानिया जाए। तू चाहनी है कि मैं उस शख्स दे बच्चियां ते रहम करा जिन्हें मुगलिया सल्तनत दे नक विच दम कर रखे है? मैं कुछ नहीं कर सकता, काजी साहब अपना फतवा दे चुके ने। काजी दा फतवा बदलिया जा सकता है, ए मैं जान दी हां। उस फतवे नू किवें बदलना है ए तुसी जानते हो। होश विच आओ बेगम, मैं उन्हां बच्चियां दी सजा माफ नहीं करांगा। मैं नहीं चाहुंदा कि समूची मुगलिया हुकूमत मैनू सिखां दे गुरु तो डरन वाला डरपोक कह के बुलाए। तीर कमान चो निकल चुके है, हुन कुछ नहीं हो सकता। खुदा दे वास्ते इंज ना करो खान साहब, ए जुल्म है, ए जुल्म है।
क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चों? हाले भी थोड़े कोल वक्त है, हाले भी थोड़े कोल वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छड़ दियो, नहीं तो इस धरती ते डुल्या साडा खून एक दिन जरूर रंग लेके आएगा। ना दोहा नू पार कटो। ये दोवें तां हले जूदे ने खां साहब। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चला चला चले। गंगूनू इनाम विच मिलिया सोना, कद मिट्टी विच मिलिया, उन्हें पता भी नहीं चलिया उसकी जमीर इस पाप का बोझ सह न सकी, वो पागल पागल दुद्ध की सेवा करने वाले मोती मेरा मेरा बख्शा नहीं गया। उस नूं ते उसदे परिवार नूं कोल्लू विच पीस के शहीद कीता गया। 40 बागी सिंह गुरु साहब तों बेमुख होके पछताए। खदराने दी लड़ाई विच उन्हां ने अपनियां जानां कुर्बान करके मुक्ति पाई। अजकल ए जगह मुक्तसर दे नाम तों जानी जांदी है। होरां सिंघां नाल माई भागो वी गुरु साहब नाल कदम मिला के चले। नंदेड़ नूं उसने अपना घर बनाया ते बड़ी श्रद्धा नाल खालसे दी सेवा कीती।
माता सुंदरी जी ने दिल्ली जाके डेरा लाया ते खालसे दी राजनीतिक मसलियां दी वागडोर समा समा चारों साहबजादियां दी कुर्बानी नूं निरंकार अपने महलां विच संभाल के रखना चाहुंदा सी। इस लई उन्हां दी याद विच चमकौर ते सरहंद विच गुरुद्वारे उसारे जाए। गुरु साहब ने नवाब मलेरकोटला दी पवित्र सोच नूं ऐसा आशीर्वाद दिता कि उसका राजपाट अज भी कायम है, इत्थों तक कि मलेरकोटला दा हर मुसलमान अज भी गुरु साहब नूं मनदा है। गढ़ी दे मालिक बुद्धू चंद दी नौवीं पीढ़ी अज भी चमकौर साहब दे आसपास बड़ी शानो शौकत नाल वसदी है। फिल्म विच दिखाए गए गुरु साहब दे तीर हथियार ते जंगी सामग्री बिल्कुल उन्हां दे असली हथियारां दी नकल है। ये हथियार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु साहब नूं पूजण वालियां कोल अज भी मौजूद हन। जिस वक्त गुरु साहब नूं दस्या गया कि छोटे साहबजादियां नूं दीवार विच चिण के वजीर खान ने शहीद कीता है, उन्हां ने हथ विच फड़िया एक तीर धरती ते मार के एक बूटा पुट के कहा, इस बेरहमी मुगल सल्तनत दे दिन उन उंगलां ते गिने जा सकते हन। ठीक इसे तरह ही होया। 200 साल राज करन तो बाद मुगल सल्तनत अगले कुछ सालां विच खत्म खत्म खत्म। टोडर मल ने वजीर खान को जाके इच्छा प्रकट की कि वो छोटे साहबजादियां ते माता जी दा संस्कार करना चाहता है। वजीर खान ने उसनु उस बेशकीमती जमीन लैन वास्ते उस ऊपर सोने दिया मोरा बिछाउन ले गया। उसने एही कीता ते इस नेक दम दे होण तो बाद उसनु सजाए मौत दी सजा सुना दिता गया। जेड़े थाने विच माता गुजरी ते छोटे साहबजादियां नु कैद विच दिखाया गया है वो बिल्कुल उसे दी ही नकल है। जेड़े थाने दा कमरा अज भी मुरिंडे इस पवित्र थान ते गुरुद्वारा सराज स्थापित आने ताने जेड़े दरख्त थले गुरु साहब नूं माछी वाले दे जंगलां विच आराम करदे होए दिखाया गया है वो उसे दरख्त दी ही रूबरू नकल जेड़ा दरख्त अज भी माछी वाले विच है उस पवित्र थान ते गुरुद्वारा साहब हमेशा बदी उसते नेकी दी जित हुंदी आई है ते हुंदी रही है। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद ते कहर पहर बन गया। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सिर कलम किया ते बंदा सिंह ने खालसा केसरी झंडा सरहंद दे किले ते गढ़ दिया। सुच्चा आनंद नूं बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद विच ही मौत दे घाट उतार दिया। काजी दीना खान जान बचा के दिल्ली पहुंच गया। बच्चियां नूं शहीद करन वाली कंध उसारन लई शासन देव ते पाशन देव नूं उन्हां दे इस घिनौने काज लई बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां दोहां नूं मौत दे घाट उतार दिता। सिंघां ने सरहंद नूं खत्म करके उत्थे दे रहण वाले लोकां नूं कट्टड़वार मुगलां तों मुक्त करवाया। लोकां ने कई भर के खजाने लुटे ते बंदा सिंह बहादुर लभदा होया उस खजाने को गोडे टेक के जा बैठा। और टूटी हुई दीवार यानियां को जिन्हां विच छोटे साहिबजादे शहीद कीता गया।